हेलो गाइस, मेरा नाम है बाबिलन। आप सबका स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कमाल का लाइट का, जो कि एक आरजीबी फ्लोट लाइट। ये आता है स्लेंट की तरफ से। तो आप सबने देखा होगा ये जो लाइट है, इनको दिवाली के टाइम पे घर या गार्डन को लाइटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आप इस लाइट को यूज करके एक कमाल का यूट्यूब सेटअप भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया। हमारे पीछे जो लाइट है वो भी एक आरजीबी फ्लोट लाइट है। एक्चुअली हमने दो आरजीबी फ्लोट लाइट मंगाया था अमेजन से, एंड ये एक है और दूसरा जो पीछे लगा है। ओके, तो इस लाइट का क्या क्या फीचर है एंड इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब इसको आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड इसका क्या पावर है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड इसको हम वाटरप्रूफ कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब भी कर देना। ओके, तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा आरजीबी फ्लोट लाइट। इस तरह का इसका पैकेजिंग है। यहाँ पर आपका स्लेंट का एक लोगो मिल जाएगा नेमिंग, एंड ये एक 50 वाट का आरजीबी फ्लोट लाइट है। अब तो इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपका ये लाइट मिलता है जो कि एक एल्यूमिनियम फ्रेम में है। एक रिमोट दिया गया है, इसको निकाल के यहाँ पर एक पन्नी है जिसको कि आपको निकालना पड़ेगा, तो आपका बैटरी के साथ ही कनेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है ये, लेकिन अच्छा खासा काम कर लेता है। इसका ये एक स्टैंड कह सकते हैं आपको, इसको इस तरह से आप किसी भी एंगल पर इसको रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक वायर देखने के लिए मिलेगा, इस वायर से आपको कोई दूसरा सा वायर कनेक्ट करके इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो आरजीबी दिया गया है, आरजीबी लाइट मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट, इन तीनों को इस्तेमाल करके ये अलग अलग लाइट को प्रोड्यूस करके देगा। एंड इसका जो सेंसर है ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो ये सब भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस वायर को दूसरा वायर से कनेक्ट करके इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो अभी मैंने उस लाइट पे वायर कनेक्ट कर दिया है, आप इसका रिमोट भी देख सकते हैं। इसका यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है ब्राइटनेस को ज़्यादा कम करने के लिए। ये जो बटन है ये इसको दबाएंगे तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक फ्लैश बटन है, स्टॉप बटन है, फेड बटन है, स्मूथ, एंड यहाँ पर ये सब भी बटन है। ये जो कलर वाला बटन है, इसको अगर आप दबाएंगे तो दो तीन चार कलर को ये मिक्स करके वो कलर दे देगा, क्योंकि इसमें जो एलईडी लगा है आरजीबी मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट ही जलता है, तो इस इन तीनों लाइट को मिक्स करके वो पिंक चाहिए तो पिंक कर देगा। अगर आपको मतलब वायलेट चाहिए तो वायलेट वाला लाइट तो ये नहीं जला पाएगा, लेकिन इन तीन कलर को मिक्स करके ये जला देगा। सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं, अभी ऑफ है, देखिए ऑन हो गया। अगर हम इसको व्हाइट करना चाहते हैं, देखिए देखिए तीन चार कलर जल के एकदम व्हाइट हो रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रेड भी जल रहा है, ब्लू भी जल रहा है, ग्रीन भी जल रहा है, लेकिन आपका जो लाइट प्रोड्यूस होगा वो व्हाइट होगा। नेक्स्ट अगर हम इसको पिंक करना चाहते हैं, देखिए ये अभी पिंक हो गया, लेकिन अगर आप देख सकते हैं ये अभी ब्लू भी जल रहा है एंड रेड भी जल रहा है, तो इन दोनों को कलर को मिक्स करके ये पिंक कर रहा है। अभी अगर येलो करेंगे, देखिए ये भी देखिए ग्रीन एंड रेड इन दोनों को मिक्स करके ये येलो वाला लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह का आपको लाइट देखने के लिए मिलेगा। इसको हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड देखिए अभी स्मूथ वाला जो बटन है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये स्मूथली इसका जो ट्रांजिशन है वो चेंज होता रहेगा, तो ये स्मूथ हो गया। नेक्स्ट अगर हम फेड देखेंगे तो ये देखिए देखिए अभी लाइट क्या हो रहा है, फेड हो रहा है एंड फिर से जल रहा है, इसको फेड मोड बोलते हैं। नेक्स्ट फ्लैश मोड पे कोई एक कलर एक टाइम पे जल रहा है। इस तरह का आप इसके रिमोट को दो तीन बार आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका रिमोट काफ़ी पतला है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका जो रिसीवर है ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, मैंने दो तीन बार ट्राई किया है तो उसके बाद आपको बोल रहा हूँ। इसका और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखिए अभी मेरा पिंक जल रहा है, इसको हम अगर ऑफ करेंगे फिर से ऑन करेंगे तभी भी ये पिंक जल रहा है। कुछ अलग लाइट होता है जिसमें फिर से आपको सेट करना पड़ता है, लेकिन इस लाइट में वो प्रॉब्लम नहीं होता है, जो आपका प्रीवियस सेटिंग है वो उसको सेव करके रखता है। नेक्स्ट इस आरजीबी फ्लोट लाइट के फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हाई ब्राइटनेस एसएमडी लाइट एलईडी लाइट मिलता है, जिसका कि हाई एनर्जी एफिशिएंसी है एंड लो पावर कंजप्शन है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी लॉन्ग है, एंड आपको लो टेम्परेचर राइजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड इसमें आपको कोई भी यूवी या आईआर रे नहीं मिलता है। इस लाइट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में, मीटिंग रूम, आपके होटल, कैबिनेट, शॉपिंग मॉल में,
आपके पार्किंग में या कोई शॉप का होर्डिंग में एंड पार्किंग लॉट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बॉक्स में अगर आप देख सकते हैं IP65 का रेटिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कोई गारंटी नहीं कि ये वाटर रेजिस्ट कर सकता है। कोई छोटा मोटा वाटर का ड्रॉपलेट पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसको चाहेंगे कि इसको आपके गार्डन में लगा लूँगा साल भर के लिए तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई बारिश पड़ेगा तो ये ख़राब होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एक सवाल आता है कि क्या ये DC पे भी चल सकता है, तो मैं बता दूँ ये सिर्फ AC पावर में चलेगा, कि आपका जो करंट आता है आपके घर में वो AC पावर होता है, AC पावर में ही चलेगा, आपका कोई बैटरी फैटरी में ये नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर मेरा कंक्लूजन ये है कि ये काफ़ी अच्छा लाइट है, आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपका घर में कोई फंक्शन है या आप कोई सेटअप बनाना चाहते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसका बेस्ट बाइंग लिंक जो अमेजन का है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके यहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइट एंड हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर देना एंड अपने चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए तो आपका सजेशन एंड हमारे चैनल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।